एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो वही नया दिन, नई शुरुआत, नई वीडियो और पुरानी मैं। सच में पुरानी मैं, तो बहुत दिन हो गए इस दुनिया में आए हुए। तो वीडियो की स्टार्टिंग जो है सुबह से कर रही हूँ। आज है मेरे हस्बैंड की छुट्टी और अभी जो है ना काम वाम सब कर लिया, पूरा काम खत्म हो लिया, नहा धो लिया, रेस्ट भी कर लिया। पता नहीं आज कपड़े वॉश नहीं करने थे तो इसलिए बहुत जल्दी जो है ना हमारा काम खत्म हो गया। और ये जो आपको आवाज आ रही है, ये कर रहा है ये गंदा लड़का, यहीं मेरे पास खड़ा रह के और यहीं पे मस्ती कर रहा है। तो अभी हम बनाएंगे लंच, अभी तक लंच नहीं बनाया हमने, है ना? भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट। तो एक्चुअल में लंच इसलिए लेट बना रहे हैं ताकि अभी थोड़ी देर पहले ना ऑरेंज जूस बना लिया था तो वही पी लिया सबने, तो इसीलिए, क्योंकि सीजन में ऑरेंज जो है ना बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर खाना, अभी भूख नहीं थी तो मैं सोची चलो अभी बना लेती हूँ खाना। तो खाना भैया आज हम बनाएंगे अपना बिल्कुल देसी हरियाणवी स्टाइल रायता। भाई देखो, चीलवे का रायता। तो बेसन का चीलवा बनाऊंगी, फिर भाई रुकना, बेसन का जब बोलने लगते तब तो किसी की मस्ती स्टार्ट हो रही है, देख रहे हो? बहुत शैतान हो गया यार, स्कूल नहीं जाता है तो बहुत ज्यादा शैतान हो गया। तो मैं यहाँ बताऊंगी नहीं, चलो मैं दिखाई देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ अपना बिल्कुल देसी स्टाइल रायता। चलो तो भाई आ गई हूँ मैं रसोई में। तो आज बिल्कुल अपना हरियाणा की स्पेशल डिश बना रही हूँ, बेसन का चीलवा को रायतो। तो आज हरियाणा भी बोलूंगी वीडियो में, ठीक है? तो यो ले लियो है भाई बेसन, ना समझ माओ थारी मर्जी, समझ माओ थारी मर्जी। यो ले लियो मैंने बेसन ले लियो, ये वह मैं डाल लाऊंगा थोड़ा सा फालतू से रायता के हिसाब से, फालतू मतलब एक्स्ट्रा से रायता के हिसाब से, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई ऐसे वैसे भी खा लेंगे, चीलवा है तो हम वैसे भी खा लेंगे, खाता पीता करता है। यो डाल दियो नमक, थोड़ा सा कम भी डालूंगी ताकि रायता में भी नमक पड़े, वो फिर बाद में ना तो बहुत बनोच जाएगा, इसलिए या डाल थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च वैसे कम ही खानी चाहिए, हम तो फिर भी खा ही लिया। हाँ, बेसन छानो थारी मर्जी, ना छानो थारी मर्जी, हमने तो छानो नहीं। और यो है जीरो जो भून के डाल रखे है बस, और कुछ को नहीं। और ये मांगा पानी, एक बार अच्छे से मिला दूस में। तो भाई पानी लेके आया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मैंने एक बार अपना बैटर तैयार कर रही हूँ फटाफट। तो भाई जो बैटर है वो मारो गए है बन, ये देखो अच्छे से फेंट लियो मैंने अपना बैटर। और वाली मेरा पानी भी गर्म है वो, तो पानी तो कर दियो मैंने बंद क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो गया पानी। तो यो तो वो धर दियो गैस पे, गैस ऑन है भाई दबे। और यो ले रही हूँ तेल। तो भाई हम तो चीलवा जो है ना वो तेल में ही खाया करा, घी में ना खाया करा क्योंकि बहुत मनो घी लाग जाए भाई, तो इसलिए तभी हो जाए गर्म। और एक बार अच्छे से फैला दिया सारा तवा पे। तो भाई तेल होगा गर्म, हाँ होगा ये गिरा बैटर। तो वही अपना चीलो जो है ना अच्छे से पकड़ लेंगे। और बाकी एक बात और बता दूं, मैंने चीलो बनाना आया ना करे, जो असली काम है ना वो है यो, जो कि मेरे तक कदे भी ठीक ठाक ना हुआ। जय बजरंग बली, थोड़ा मोटो हो चीलो आज तो जड़ा भी दियो। ना बढ़िया बना है, ठीक है जड़े को नहीं, इतना तो चल जाएगा। तो भैया मैंने बढ़िया दाल पका लियो, देखो ईरानी दे भी और ईरानी दे भी, इधर हम तार लेंगे खालो भाई चिलवा खालो गर्मा गर्म चिलवा चिलवा चिलवा। तो भाई तेल में थोड़ा सा कम लियो है जबकि बार थोड़ा ज्यादा है वो था तेल ना, इसलिए। और
हमारी मम्मी तो हाथ तक खिलाया करती तो वन तो वन ना तेन चील वन है तो मैं कर दूँ छोड़ सही हो सही बना वो देखियो मस्त ये यो वालो जो चीलो तो हो गए पानी के अंदर ये हथाई मर्जी है घेर तो घेर दियो हमारी मम्मी घेरा करते इसलिए मन घेर दिए ताकि उन्होंने क्या करती है से ना ये तेल जो से ना एक्स्ट्रा वालो वो निकल जाए वो निवाया पानी में इसको इसलिए तो मैंने डाल दियो ये मैं अपने दूसरों पकाऊंगी यो बढ़िया चीलो बना है पतलो पतलो जड़े भी कुछ ये अच्छा बना है देख लो भाई एक और बच्चे को और बना लू मैं तो भाई अभी बना रहे हैं हम अपना रायता तो ये जो डाले थे ना पानी में हमने अपने चील हुए इनको हम निकालेंगे अच्छे से पानी निकाल लेंगे इनका ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इस टाइम हाथ आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए भाई ये डाल लिया है हमने दही अपने इसमें मतलब चीलों में अभी डालेंगे थोड़ा सा नमक सफेद वाला ये जीरा पाउडर जो कि बहुत टेस्टी लगता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा रायता मसाला ये डाल दिया बस इतना चीज डाल दिया अभी थोड़ा इसको एक बार कर देते हैं मिक्स तो भाई ये मिक्स कर लिया है मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है बिल्कुल थोड़ा क्योंकि मुझे रायता थिक लेना है इसलिए तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे तो ये ले ली हमने एक बड़ी चम्मच उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल या घी जो आपका मन करे अब इसको लेते हैं थोड़ा सा गर्म तो ये लिए है मैंने राई के दाने ठीक है तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है इसमें डाल देंगे हमारा नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा अभी हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन और हरी मिर्ची को कूट लिया था इसी के अंदर गैस को बंद करेंगे ये डाल दिया रायते में ढक दिया लग गया तड़का एक सेकंड के बाद दिखाऊंगी मैं ये देखो भाई ये चम्मच पे लग गई थी थोड़ी सी ये कर लिया मिक्स रायता हो गया रेडी और मेरा फेवरेट स्टेप आएगा अब ये ओनियन अब क्योंकि अगर चील में कराए तो मैं ओनियन का मजा नहीं आया तो किसी में भी नहीं आया बस इतनी सी ये बाकी वैसे खा लेंगे सलाद के रूप में और ये डाल दी और हो गया रायता तैयार अभी बना लेती हूँ फटाफट रोटी और खाऊंगी लंच क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और भाई तब से हमारे घर में ये आई है तब से युवम तो इसी के पीछे पड़ा रहता है और इसको भी अब इतनी आदत हो गई ये बजाएगा ना तब यहीं पर आके रुक जाती है बहुत देर से इतनी देर थोड़ी लगती है इतनी देर से बजा रहा बेचारी परेशान हो गई कहाँ गई ये नहीं ये नहीं कहाँ है अले ये ले
और अब तो इसको चिक्कू बोलता है भैया के पास आओ। ये देखो आएगी आएगी, हाँ बजाओ बजाओ बजाओ, आएगी बजाओ। ये देखो ऐसे बजाएगा ना तो यहीं पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ ये बजा रहा होता है। आओ आओ आएगी बजाओ, ये आ गई। बस अब और मत बजाओ फिर डर जाएगी, मत बजाओ मत बजाओ डर जाएगी। ये आ गई, हेलो बोलो सबको। अले ले ले, बहुत क्यूट लगती है, बहुत क्यूट। गई यार, मैं तो छोड़ता ही नहीं है? मैं तो छोड़ता ही नहीं, हम तो इसको कभी छोड़ता ही नहीं। गिर जाएगा। और ये देखो भाई, मैं आई थी चाय बनाने और ये देखो मेरे पीछे पीछे आ गया। और कर क्या रहे हो? ये दीवार में चढ़ रहा। दीवार पे चढ़ रहे हो? नहीं चढ़ा गया। अरे चिक्कू नहीं चढ़ा गया। तब कर रहा हूं था तो आप लोग देख नहीं रहे। कौन तब? ये हुआ काम। ओ चढ़ गया भाई। चढ़ गया। एक बार नहीं यहाँ तक पूरा करा था। ठीक है खाओ यहाँ तक करके। ये लो तो भाई, बना लेते हैं अपनी चाय फटाफट क्योंकि 4:30 हो गए और कुछ खाने के लिए भी बनाऊंगी मैं। ये गई चीनी, ये गई चाय पत्ती। चाय पत्ती अब की बार अच्छी नहीं आई हमारी, चूरा सा चूरा है बिल्कुल। और ये गई अदरक। तो भी चाय यहाँ उबल रही है और साथ ही मैं बना रही हूँ आज ये गार्लिक ब्रेड। ठीक है, ये एक निकाल दी, वो गया है देखो, ये ठंडा है ना यार। तो ये गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ ना मैं, देखो ये मैंने लिया है घी। ठीक है, घी के अंदर मैंने गार्लिक कूट के डाल दिया और डाल दिया थोड़ा सा नमक। अगर बटर ले रहे हैं तो आप नमक ना डालें क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक होता है, लेकिन मुझे जो है ना घी में बनाई हुई ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि एक दो बार मैंने बनाई हुई है बटर में, लेकिन उसमें मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, घी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस ये ब्रेड गई, ये लगाया इस पे घी और गार्लिक। तो भाई ये देखो एकदम पक गई दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो आज पता है मैं बना रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप और दूसरे तरीके से बना सकते हैं ना तो आप दो ब्रेड लीजिए, उसके बीच में चीज़ डालिए, बटर और गार्लिक डालिए, उस पर से आप बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है खाने में। वो भी मैंने बना के ट्राई करी है बट आज मेरे पास ना तो चीज़ है और ना उस टाइप की खाने का मन है कि मैं स्पेशल शॉप पे जाऊँ और चीज़ लेके आऊँ, है ना। इसलिए मैं फटाफट ये वाली बना रही हूँ अपनी नॉर्मल सी बस। तो मैं मुझे चार तो मेरी बन गई, दो तीन और बना रही हूँ फिर हो जाएगा हमारा काम। भी रेडी है और मेरी गार्लिक ब्रेड भी रेडी है। यूं भाई साहब तो लगे हुए हैं, आ जाओ भाई पी लो, ये बोल रहे हैं आ जाओ भाई। और सामने रखा है आपको हुक्का दिख रहा होगा इनका, ये तो आपको हर वीडियो में आके देखने को मिलेगा। डुगू कैसी लगी? अच्छा यार, ये बड़ा चटोरा है पता है, सब्जी नहीं खाएगा है, फ्रूट नहीं खाएगा, ये सब चीज़ें दे दो, ये सब चीज़ें इसको बड़ी अच्छी लगती है ना। अभी दूध पीना है, बनाना खा लेना एक। खा लिया तो मैंगो, मैंगो खा लेना, मैंगो मैंगो तो है नहीं, मैंगो तो है नहीं, ऑरेंज खा लेना, चलो ऑरेंज तो है, क्यों वाटरमेलन ग्रेप्स खा लो ना।
क्यों? ये सब जूस पीऊंगा। अच्छा वाटर मेलन जूस पिएगा, ठीक है। ये ब्रेड खा लो अपनी। अच्छा अच्छी लग रही है ये वाली? ज्यादा अच्छी लग रही है? वो चीज वाली बनाई थी मम्मा ने, वो ज्यादा अच्छी लगी थी। चीज वाली, चीज वाली। चटोरा बोलो। तो फ्रेंड्स युवम ने तो खाना अभी खा लिया है, डिनर कर लिया है, और हमने अभी नहीं खाया है क्योंकि शाम को जब वो गार्लिक ब्रेड बना ली थी ना, फिर उसके बाद हम चले गए थे पार्क में युवम को लेके, तो आज घूम के नहीं आए, वरना तो एक राउंड लगा के आते हैं, बट आज नहीं आए, हम ऐसे ही आ गए। तो अभी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, वैसे मैंने बना के और रख दिया है। युवम आप क्या कर रहे हो भाई? टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रही है? तो अपनी फिश के साथ सारा दिन मतलब लगा रहता है, इसको तो इतनी अच्छी आ रही है। आओ भैया पास आओ, उसके पास जाके ऐसे करेगा भैया पास आओ। देख के आया उसको, अभी याद आ गई, देख के आया। सारा दिन आज तो वो उसकी पीसी के पीछे पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं, इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके पास जा जाके ना बार बार में बात भी कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, मम्मी प्यारी राज दुलारी। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो भाई अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे खाना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। और आज मैंने ना सिर्फ चटनी बनाई है, क्योंकि सब्जी नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी इसलिए। और परेशान हो गए यार सब्जी खा खा के, दो सुबह भी सब्जी, शाम को भी सब्जी, तो इसलिए वो सो गई वो। अरे खाना खा लिया उसने? हाँ खा लिया। नहीं वो दो बजे, एक बचा है। एक बचा हुआ है? इतना ध्यान से देख के आयो? हाँ ठीक है, तो अब सो गई, देख के आयो? हाँ नहीं हिल रही। ठीक है, तो आप भी सो जाओ, वो सो गई तो। ये सोन का, सोने का चोर है ये, नहीं सोएगा इतनी जल्दी। खाना थोड़ी बहुत देर में, और फिर मिलूंगी मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, है ना। और सुबह बताया था मैं तो ही पुरान, तो इसीलिए अगर वीडियो और अच्छी मेरा फोन भी है पुराना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी मस्ती देखो क्या कर रहे हो ये। तो भाई आज के लिए इतना ही, तो फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अब बोलो गुड नाइट, बोलो बाय, गुड नाइट बाय।